जितना आपका दिल करे उतने पैसे इसमें से काट लो, सारे रख लो। पूरे तो ऐदा लग रहे ना, पिछा देखो मेरे, ऐदा लग रहा जिवें आइलैंड होंदा बिच पानी दे। हेलो गाइज, की हाल चाल, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज, जिमें कि थोड़ा पता कि आप नवी नवी लोकेशन से जाते रहते हैं, सो अज आप चले हैं सिसवा डैम। सो आप उ जाके एक्सप्लोर करते हैं उत्तर की है, किदा किदा है, सारी इनफॉर्मेशन थोड़ी इस वीडियो मिलेगी। सो वीडियो नाल बने रहो फ्रेंड्स। अपना बैग रेडी हो चुका है, आ रहा है मेरा बैग। अगर उत्थे सानूं कैंपिंग करने की परमिशन मिल गई सो आप उत्थे कैंपिंग भी करांगे। सारा समान आपने कैरी कर लिया है, हूँ बस आप थोड़ी देर तक निकल लग रहे हैं। चलो चलते हैं। भाई आपके पास प्याज बड़ा? प्याज यार 3-4 पीस दे दोगे? हाँ चाहिए हमें, मैगी बनानी। हाँ अभी जाएंगे ऊपर पहाड़ों में, तो घर से प्याज लाना मैं भूल गया, तो ये लो गाइस। मैं प्याज लेके आना भूल गया सी, तां हुण असीं उरे आए हैं, तां 3-4 प्याज लै लैंदे आ तो कि आप वधिया जी मैगी बना सकिए। बस बस बहुत है बहुत है बहुत है। ये लो कितने हो गए हैं? जितना आपका दिल करे, ना ना जितना आपका दिल करे, जितना आपका दिल करे उतने पैसे इसमें से काट लो, सारे रख लो हैं, सारे रख लो कोई बात नहीं। लो पकड़ो। ओके थैंक, ज्यादा खाओ पेट भर जाओ। हैं? ज्यादा खाओ पेट भर जाओ। हाँ हाँ थैंक यू। हाँ ज्यादा खाओगे पेट भर जाएगा। गाइस हूँ आप जो अपनी लोकेशन है वो आप पहुँच चुके हैं, ये है सिसवा कम्युनिटी रिजर्व। सो आप हूँ अंदर चलते हैं। चलो गाइस आप हूँ आ चुके हैं अंदर, तो यह है रस्ता, ये है और आप बोटिंग कर सकते हैं, नेचर वॉक कर सकते हैं, कैंपिंग साइकिलिंग आप सारे फिशिंग भी और कर सकते हैं। सो आप हूँ आप चलते हैं अंदर नूं, उरे देखते हैं किदां दा व्यू है। यह रस्ता अंदर जाने का, नीतू ने तो हमने खाना शुरू करता। वैसे पता नहीं की है, देखते हैं उपर ब्लैक होल क्लब एंड कैफे, कैफे है और तुम खा पी भी सकते हैं सारा कुछ। वैसे ये सारे पेड़ पौधे जड़े सिसवा पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं जड़ियाँ उत्थे अपन अंदर मिलेंगी। ये है टाइमिंग, समर दे विच हैगी है 8 AM तो 7:30 बजे, तो विंटर हैगी 6 बजे तो 6 बजे तक। डैम इज क्लोज ऑन मंडे, मंडे ही क्लोज रहेगा। वीडियो शूट इज नॉट अलाउड, डोंट क्रॉस द डैम साइड रेलिंग फ्रंट 500। कोई नहीं देख रहे अंदर जाके। गाइस देखो कितना सोहना व्यू है, ये तो ऐदा लग रहा है जिवें आइलैंड होंदा बीच ना उधर। गाइस ए उरे दा मतलब कि बहुत वधिया नेचर दे विच, पहाड़ां च डैम है, तो सो
बहुत वधिया तुसी उरे आ सकते हो। और वैसे हजे अंदर एंट्री के कोई पैसे का नहीं है, अगे बोटिंग वगैरह भी हैगी है। उरे तो इदा लग रहा ना पिछा देखो मेरे, इदा लग रहा जिमें आईलैंड होंगे बिच पानी दे। सो बहुत कैंट व्यू है भाई, बहुत कैंट व्यू है। चलो अगे देखते हैं किदा दा। मैं तो पहली बार आया उरे, साढ़े घर के तो नेड़े है, फिर भी असं पहली बार आए हैं। गाइज अगर तुसी उरे कैंपिंग करना चाहते हो तो ये उरे कैंपिंग टेंट लगे हुए हैं, उरे कैंपिंग कर सकते हो। पिछे आ कैंपिंग टेंट है, ये अटैच बाथरूम टॉयलेट इनकलूड है। अद्धे च तो ए सी भी बने हुआ, ए सी भी लगे हुए अंदर। सो बहुत घेंट मतलब जगह तो उपर यह बनया हुआ। गैस ए सी भी लगे हुए हैं, मतलब वधिया बनया हुआ है ना। उरे मन लगता है सानू उरे कैंपिंग करन देंगे। सो अगे देखते हैं अभी अगर जान का रस्ता है उपर। गैस उरे मोबाइल बाथरूम भी है अगर किसी ने जाना, तो वाशरूम अगे भी हैगा, तो यह भी उरे वाशरूम उरे भी है। अंदर दी हजे कुत्ता कोई टिकट है नहीं आने दी, बाकी द व्यू तुसी फिर थानू मैं दिखा सकता। पैसे हैं 100 रुपया पर परसन थानू, अगर तुम दो जने का 200, 300 जने 300, 4 जने 400 थानू बोटिंग दे जी पेमेंट है। और बैठे हैं बंदे उन्होंने करो, अपनी लाइफ जैकेट पाओ तो अपना बोटिंग करो। तो उसे मतलब कि शांतिपूर्वक माहौल है, सारा वधिया। इधर पिछे कैफे भी है, तुम उ खा पी भी सकते हैं। जो इको टेंट है ये हजे चल नहीं रहे, इन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ उ। सो बहुत उरे वाइब्स मतलब उरे वधिया है, सारा माहौल शांति है। तुसी उरे अपनी फैमिली नाल तुसी आ सकते हो। वैसे अलग अलग तरह की उरे बोट है, तो मोटर बोट भी है, वो ये वाली चप्पू वाली भी है, तो बाकी वो पैडल वाली है सारी बोट्स। तुसी जा सकते हो, बंदे बोटिंग भी कर रहे हैं। सो मतलब वधिया है ना, मतलब ठीक है, मतलब व्यू वधिया है, घेंट है, तो तुम कर सकते हैं बोटिंग वगैरह। गाइज उरे तुम आ सकते हो फैमिली नाल, बट उरे सिर्फ बोटिंग है ना, तो सिर्फ फिशिंग वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई इन्हों का उरे कोई अरेंजमेंट है, ये है सरकारी है। सो तुम आ सकते हैं अपनी फैमिली नाल, आ जाओ, बस उरे दे व्यूज देखो। ये सारे इदा के व्यू है, मतलब नॉर्मल है, तुसी आना है तुसी आ सकते हो। रेकमेंड कर दें थोनों कि तुसी आओ, अपना टाइम स्पेंड करो ते चले जाओ। नित तुहानू किदां दा लग्या उरे माहौल? मैनू ओके ओके लग्या, क्योंकि इत्थे सिर्फ बोटिंग कर सकते हैं आपां, आके कैंपिंग करनी सी पर मैं तां गाइस उरे आपां सिर्फ बोटिंग बोटिंग कर सकते हैं। और तुसी सिर्फ अपने फैमिली नाल आके तुसी उरे बस घूम सकते हो, जिहड़ा रिज बनया होया इत्थे घूम सकते हैं। ते पिछे जिहड़ा अपना बोटिंग है, बोटिंग है, तुसी बोटिंग कर सकते हैं। ते उरे अपने व्यू दे तुसी व्यू इंजॉय कर सकते हैं, होर उरे कुछ नहीं है। एवें टाइम वेस्ट तुसी करे ना, नहीं दूर आओगे पेट्रोल फूक के। ए तो वधिया सुखना लेक चल जाओ, उत्थे रौनक मेला भी थानू देखण नू मिलूगा, देखण नू मिल जाएगा। तो बाकी उत्थे एक्टिविटीज भी है, उरे हजे लोगों इन्ना पता नहीं ना है। सो तुसी देख लियो जिवें थानू ठीक लगता, अगर तुसी करना आना चाहते हो तुसी आ सकते हैं। पहाड़ों का पहाड़ देखने या लुफ्त लेना चाहते हैं, पहाड़ों का लुफ्त उठा सकते हो। तो ये ना ये वाला ना ज़्यादा वधिया लग रहा है व्यू, क्योंकि उरे ना ये जिवें आईलैंड लगता उदा लगता है। गाइज अगर तुहानू वीडियो वधिया लगी है तो लाइक कर दिओ, चैनल पर नवे हैं तो सबसक्राइब कर दिओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, रब रखा।